अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार आप सब? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वीरो की हाल है? ठीक हो? तो यार वेलकम बैक हो गया है आपका एन अदर व्लॉग में। तो यार मैं एक चीज नोट कर रहा था, वीडियो शीडियो तो यार तुम लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, गजब बेइज्जती है। तो यार कोई हाथ पैर टूट जाते हैं सब्सक्राइब करते हुए? सब्सक्राइब कर दिया करो, अभी तुम लोगों को कोई बची गए सब्सक्राइब करने का, तुम लोगों ने उन दस्ती ही जाके सब्सक्राइब करना उसका चैनल। ये तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर रहा है व्लॉग बनाने में, तुमसे रोज रिक्वेस्ट करता है कि यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो तुम लोग देख जाते हो, सब्सक्राइब तुम लोग करते नहीं हो। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। तो भाई तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ हाँ हाँ, लड़कियाँ कहती हैं, लड़कियों की बात बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को मानना। लेकिन इधर भाई की बात भी मान लिया करो, भाई का चैनल भी है, भाई भी मेहनत कर रहा है। तो यार आज है कि आज हम उठ गए जल्दी, 12 बजे का टाइम है, उठ गए, और आज जुम्मे का दिन है। आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और नहा धो के मैं हो गया हूँ फ्रेश, क्योंकि यार मेरी फजर की नमाज जो है वो रह गई थी, फजर की नमाज मैंने अभी पढ़ ली है। नहा धो के गुसल शुसल करके मैंने, समझ रहे हो, मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, फिर अब कपड़े चेंज कर लिए। तो यार आप लोग भी जुम्मा पढ़ो, फिर हम आपसे जुम्मे के बाद मिलते हैं। और जुम्मे के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यार आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर क्यों नहीं रहे। तो यार नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली है, जुमे की नमाज में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आके खाना शाना भी खा लिया है। खाना शाना खा के यार अभी ऊपर आया हूँ कमरे में, तो मैं सोचा, मैंने कहा यार नमाज के बाद आप लोगों से पूछना था कि यार आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो यार मेहनत कर रहा हूँ, चैनल मेरा भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे दोस्त हो सब, मेरे दोस्त हो, प्लीज भाई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आज का मौसम हो रहा है बहुत लेवल किस्म का, मेरा मूड था बाहर निकलने का, दोस्तों यारों से मिलने का। एक काम तो ये था कि दोस्तों यारों से मिलना था, दूसरा काम ये था कि मैंने बनवाना था पासपोर्ट, उसको रिन्यू करवाना था। तो यार वो बारिश की वजह से वो दोनों काम भी फिलहाल पेंडिंग हो गए, मतलब दोनों काम नहीं, एक तो ये पासपोर्ट वाला काम तो हो गया पेंडिंग, वो शायद मैं मंडे को जाऊँगा पासपोर्ट बनवाने। और जो दूसरा काम ये है कि दोस्तों से मिलना था, तो दोस्तों से यार वो हम भी कोशिश करते हैं जाके मिलते हैं। ओके, क्योंकि बारिश जो है वो हुई तो बड़ी लेवल किस्म की थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब नमाज के बाद हुई थी, जब मैं खाना शाना खा रहा था तब बड़ी मज़े की बारिश हुई थी। तो अब ये है कि बारिश रुक गई है, तो लेकिन कीचड़ शीचड़ जो है वो हो गई है वादू। तो अभी हम मूड बनाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद निकलने का मूड बनाते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे असर पढ़ लें, असर पढ़ के इंशाल्लाह फिर निकलते हैं बाहर। तब तक ये है कि जो कीचड़ शीचड़ होगी वो भी जरा ख़त्म हो जाएगी और फिर निकलेंगे बाहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बाहर जाके यार दोस्तों यारों से मिलेंगे, दोस्तों यारों से मिल के फिर आएंगे घर। अच्छा, क्योंकि मैं था घर बैठ के बोर हो रहा था काफ़ी, तो सोचा यार बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो जो है उसे लाइक और शेयर भी किया करो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। हाँ मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अगर पसंद नहीं आती तो यार मुझे कोई कॉन्टेंट के बारे में बताओ, मुझे कोई कमेंट्स में बताया करो कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, तो भाई इंशाल्लाह मैं अपने कॉन्टेंट को बेहतर करूँगा। तो भाई अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, मौसम में भी आपको दिखाता हूँ, बारिश भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की हो रही थी। बारिश तुम लोग चेक कर सकते हो, बारिश कितने लेवल किस्म की हो रही है, बड़ी तेज़ हो रही है यार आज बारिश ना। जुम्मे का दिन तो गर्म होता है, लेकिन आज बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है। ये चेक करो यार, ये मैंने अपनी गैलरी में पुदीना लगाया हुआ है, फ्रेश पुदीना, और हम लोग घर के लिए भी यहीं से यूज़ करते हैं। आप लोग भी जो है वो घर में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, या छोटी मोटी और चीज़ें, वो घर में ही उगाओ और घर की ही यूज़ करो। फ्रेशनेस चेक करें उसकी, घर की चीज़ जो है ना उसकी बात ही अलग होती है। और ये आम पुदीना से थोड़ा सा तेज़ भी है, मतलब ये वाला जो मिंट है ये बाहर के मिंट से तेज़ है थोड़ा सा। 3 hours later। तो यार असर की नमाज का हो गया टाइम, अब हम बज़ू शुरू करके असर की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद जो है ये टी शर्ट जो है ये मैंने नमाज के बाद चेंज कर ली थी, टी शर्ट को चेंज करते हैं और कुर्ता शुर्ता पहनते हैं इसके ऊपर, और फिर नमाज़ पढ़ के निकलते हैं बाहर, क्योंकि मौसम जो है वो मुनासिब सा हो गया है। वैसे तो धूप शूप निकली थी अभी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का मौसम है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी,
तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फिर निकलते हैं बाहर। 20 minutes later लो जी असर के बाद बाहर निकला हूँ, ये तो खुशका पड़ा हुआ सारा, चेक कर सकते हो तुम सब, खुशक हुआ हुआ सारा यार, मैं समझा कीचड़ होगी। 3 hours later तो यार फाइनली घर आ चुका हूँ और मेरा जो प्लान था यार वो दोस्तों यारों से मिलने का था आज, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था कि आज फ्राइडे है, तो जो मेरे दोस्त वगैरह हैं ऑफिस के वो लोग तो चले जाते हैं फ्राइडे को अपने लोग अपने अपने घर पे, क्योंकि वो मोस्टली जो मेरे दोस्त हैं वो हैं आउट ऑफ सिटी के, तो कोई फैसलाबाद से है, कोई शाहकोट से है, तो कोई कहीं कहाँ से है, कोई कहाँ से, तो वो लोग तो चले जाते हैं। मेरे माइंड में नहीं था कि वो लोग आज चले जाएंगे, तो मेरा उनसे कॉन्टैक्ट भी जो है वो असर के बाद हुआ है, असर के बाद मतलब तकरीबन 6 बजे के बाद हुआ है, तो वो लोग जो थे वो अपने अपने रास्ते उन्होंने पकड़े हुए थे घर जाने के लिए। तो फिर ये था मेरा आज का प्लान जो था वो एक्चुअली ये था कि मुझे शवरमा पसंद है, माल रोड पे मिलता है वो शवरमा चमन के बिल्कुल सामने, तो मेरा आज वो मूड था कि आज मैं वो जाके खाऊंगा लेकिन दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्त जो हैं वो तो अब जा रहे थे अपने अपने घर, तो फिर प्लान जो है वो अब मंडे का हो गया कि मंडे को अब हम लोग सारे जाएंगे और फिर कुछ बातें वगैरह भी करनी है वहाँ बैठ के दोस्तों से, तो वो बातें शातें भी वहाँ पर हो जाएंगी। तो अब जो शवरमे वाला प्लान है वो चला गया मंडे पे, और पासपोर्ट भी इंशाल्लाह मैं टाइम निकालूंगा मंडे को, तो पासपोर्ट भी जाके जो है वो हम मंडे को बनवाएंगे। और तब ये है कि घर में आ गया था तकरीबन अब जो है वो इशा का टाइम है, इशा की नमाज़ पढ़नी है अभी। मुझे याद आया कि यार वो सैलाब की वजह से मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी सैलाब की, कि सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है, तो यार जो भी डोनेशन वगैरह मांग रहे हैं, जो भी डोनेशन कर रहे हैं यार, इसमें हेल्प लाजमी करो, डोनेट करो, उन लोगों की मदद करो, आप लोगों को उस चीज़ का अल्लाह पाक अजर देंगे। तो कोई डोनेशन वगैरह, कोई कैंप वगैरह है वहाँ पे, अगर आप जितनी भी आपकी इस्तेआत है, जितने भी अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी हुई है आप दे सकते हैं, तो यार उतनी हेल्प करो लोगों की, क्योंकि हमें नहीं आइडिया, जिन पे बीत रही है उन्हें पता है कि उनका क्या हाल है इस टाइम, जो लोग अपने घरों से दर बदर हुए हुए हैं, ना खाने को है, ना पीने को है, कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, टेंटों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऊपर से फिर बारिश जो है वो काफ़ी हो ही जा रही है कंटिन्यूसली, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बहुत तेज़ बारिश हुई है। अब हम लोग जो हैं वो एक रहते हैं अच्छे एरिया में, तो हमें इतना फील नहीं होता, तो जो लोग दरियाओं के करीब या जिनके जो गांव वगैरह हैं वो मोस्टली दरियाओं के करीब हैं, और मतलब कोई आपके जो पानी वगैरह वाला निज़ाम होता है, नहरी निज़ाम है, उनके करीब हैं, तो यार उन लोगों को जो है वो बहुत नुकसान हुआ है, इवन जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, और माली नुकसान तो हुआ है यार, माल तो चलो अल्लाह पाक फिर दे देता है, आपने आपके पास अल्लाह पाक ने अगर आपको जान दी हुई है, आपको ताकत दी हुई है, तो यार आप माल जो है वो फिर कमा सकते हैं, लेकिन जो आपकी जान होती है वो वापस नहीं आती। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत करे, उन सबको अपनी हिफाजत में रखे, और जितनी जाने जो हैं वो जा चुकी हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। और मेरी एक और बात कि यार अगर अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी हुई है, इस्तेआत दी हुई है, पैसा दिया हुआ है, तो ज़रूर यार खर्च करो, ये सदका जारी है। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस्तेआत दी हुई है तो आप लोग ये सोचो कि अल्लाह पाक ने आपको देने वाला हाथ बनाया हुआ, लेने वाला हाथ नहीं बनाया, तो यार बस अल्लाह पाक से जो है वो अच्छी सी दुआ करो उन लोगों के लिए, उनकी जो जाने जा चुकी हैं उनकी मगफरत की दुआ करो, और इस्तेआत है तो यार लोगों में तकसीम करो, हेल्प करो लोगों की जो सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, इवन आपके पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो सैलाब का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, तो यार अल्लाह पाक से तौबा करो, क्योंकि ये भी यार हम अल्लाह पाक की तरफ से इम्तिहान है, इसे भी अल्लाह पाक जो है वो यार खैर खैरियत से गुजार दे। जानी नुकसान तो हो चुका है, वो तो वापस नहीं आ सकता, माली नुकसान तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक पूरा कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान मेहनत करता है तो वो सब पूरा हो जाता है, लेकिन जाने जो हैं वो जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। तो यार मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे बात करेंगे। 20 minutes later तो यार नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हो चुका हूँ, इशा की नमाज़ पढ़ ली है, और अब यार कोई खाना छाना का सिस्टम करते हैं। खाना छाना यार वैसे तो सबने बाहर बूर से खा लिया है, तो मैं तो आया था लेट, मेरा प्लान हो गया था कैंसिल, तो घर वालों ने तो यार बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया और खा को लिया। तो यार मैं जो हूँ मैं आज खाने लगा नूडल्स, तो नूडल्स चढ़वा ली है मैंने, नूडल्स पक रही हैं इस टाइम, तो मैं नूडल्स खाऊँगा, नूडल्स खा के फिर आपसे मिलते हैं।
तो भाई नूडल्स तुम लोग चेक कर सकते हो, नूडल्स जो हैं वो चढ़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, बस इसे खाते हैं। मैंने ये ड्राई बनवाई थी लेकिन माँ जी ने बना दी हैं थोड़ी सी गीली गीली, तो ये भी मज़ा आएगा खाने का। तो भाई नूडल्स खा के मिलते हैं आपको, क्योंकि खाने के दरमियान बोलते नहीं हैं। A few minutes later. तो यार आज के व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, और जाते जाते आप लोगों से जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उन पे लाजमी अमल कीजिएगा। एक तो यार ये थी कि आप लोग जितने भी नुकसान हुआ है अल्लाह पाक से, पहले तो आप लोगों ने करनी है तौबा, उसके बाद जो है वो आप लोग अगर अल्लाह पाक ने आपको इस्तेदाद दी हुई है, अल्लाह पाक ने आपको पैसे दिए हुए हैं, तो यार जितना डोनेट कर सकते हैं, जितना अल्लाह पाक ने आपको दिल दिया हुआ है आप लोग डोनेट करें, लोगों की मदद करें। हाँ अगर अल्लाह पाक ने आपको नहीं दिया हुआ तो यार आप लोग दुआ तो कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह पाक जो जितना जानी नुकसान हो गया उन लोगों की मगफरत फरमाए। और जो हमारे बहन भाई जो हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास इस टाइम खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उन पर अपना रहम फरमाए। तो हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, अगर अल्लाह पाक ने हमें नहीं दिया हुआ तो हम लोग दुआ कर सकते हैं, और अगर अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ तो यार हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनकी हेल्प करें। हेल्प करेंगे तो यार अल्लाह पाक इस चीज़ का हम लोगों को अजर देंगे। और यार मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी करना। तो आज के लिए तो यार इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होगी।